गाइज़, हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज मैं करने वाली हूँ वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक, और ये इयररिंग है ये मेरे लिए है मीशो से। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, मेरा फेवरेट। आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन की वॉइस आएगी उसके लिए, सो सॉरी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। लाइक अपना जितना अच्छा स्किन केयर करेंगे उतना अच्छा मेकअप आपका टर्न डाउन होगा। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन, जो कि है मदर स्पर्श की। ये मुझे PR में आई थी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे इसकी स्मेल और फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद। कुछ सनस्क्रीन की स्मेल थोड़ी केमिकल वाली होती है, इसमें वो स्मेल नहीं है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYBA की इल्यूमिनेटिंग क्रीम। इससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई शाइनी लगने वाली है। अभी आप देखेंगे इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन में विद इन ग्लो आता है, जस्ट लुक एट दैट ग्लो। तो आज फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का। एक पंप से फाउंडेशन लूँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फाउंडेशन, मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो बहुत कम मैं अप्लाई करने वाली हूँ। और ये है मार्स का गोल्डन बेज शेड, आई थिंक यस, और ये मुझे हल्का सा लाइट है, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसको मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हो और अपने हाथों के हेल्प से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और आईलेट्स पे मैं कोई भी कलर या कंसीलर नहीं अप्लाई करूँगी, तो इसके लिए मैंने सेम ब्रश को हल्का सा वहाँ पर फिरा दिया ताकि कलर डिपॉजिट हो जाए। और ये मैंने नई टेक्निक सीखी है कि पहले आप ब्लश लगा लीजिए उसके बाद कंसीलर लगाइए, बहुत नेचुरल एंड विद इन ग्लो देता है। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, इसका शेड मुझे याद नहीं बिल्कुल भी। और ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया था अर्थ रिदम का, और ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया था अर्थ रिदम का ब्लश, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो कंसीलर अप्लाई कर लिया है मैंने अच्छे से, ये ना बहुत नेचुरल ग्लो देता है, लुक एट दैट ग्लो। मेरा स्किन बहुत अच्छे से, लाइक मेरा बेस मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। और कॉन्ट्योरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेमे का कॉन्ट्योर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसकी पैकेजिंग बहुत है ना 100 साल पुरानी वाली है, ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 1000 साल पहले का प्रोडक्ट है ये। और आई मेकअप के लिए मैं बहुत ज़्यादा सिंपल आई शेडो पैलेट जिसके अंदर से मैंने पिक किया ये ब्राउन शेड, इसको मैं अच्छे से पूरे आईलेट्स पर डिपॉजिट कर लूँगी। कोई भी ब्लेंडिंग वगैरह नहीं करनी, बहुत सिंपली डिपॉजिट करके हल्का सा ब्लेंड कर लो। उसके बाद मैं एक थिक विंग लाइनर लगाने वाली हूँ, ओह माय गॉड, सेम टाइम पे बोल दी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सटल रुक के आराम से अप्लाई करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा थोड़ा सा थिक ही रखिएगा। और नहीं आपको विंग आता तो विंग आईलाइनर मत कीजिएगा, नॉर्मल लाइनर कीजिएगा, मुझे भी इतने अच्छे से नहीं आता है जो मैं बोल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिस क्लेयर का ग्लू, जिससे ग्लिटर स्टिक्स होते हैं, और ये मैंने खाली हाफ लाइनर पे ग्लिटर अप्लाई किया ताकि थोड़ा सा ना ग्लोई, मतलब थोड़ा ग्लिटरी लुक रहे वैलेंटाइंस डे के लिए। और उसके बाद मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से ये नियॉन शेड लेके अपने इनर कॉर्नर्स को फिल कर लिया। आईब्रोज़ मैंने बना ली हैं विद द हेल्प ऑफ स्विस ब्यूटी आईब्रो किट। लैशेस कर्ल करने हैं, और मैंने पहले अप्लाई किया था मास्क का मस्कारा, जो कि फिर मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैंने एज़ यूजुअल अपना मेबलिन का अप्लाई किया थोड़ा सा। अपने लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा स्लो स्लो। और मास्क की मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड है, बट इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा यू नो डल हो जा रहा था, तो उसके ऊपर मैंने हल्का सा स्विस ब्यूटी की भी लिपस्टिक अप्लाई की है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक।